बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जावत्री के फायदे और नुकसान, अमराज कल्ब, खवातीन के पोशीदा मसाइल, निजाम हाजमा, सांस और मुंह की बदबू, ब्लड प्रेशर, शुगर, मसाने के मसाइल, गले की खराश, खांसी, बच्चों की सेहत, जोड़ों में दर्द। जावत्री गर्म मसालों में शुमार की जाती है, जिसको हम खानों में खुशबू और जायके के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये सिर्फ खुशबू और जायका नहीं बल्कि सेहत के लिए भी बेशुमार फवायद रखती है, जबकि इसके जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल के चंद नुकसानात भी हो सकते हैं। जावत्री में मौजूद गिजाइत, माहरीन सेहत और गिजा के मुताबिक जावत्री विटामिन ए, B1, B2, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, मैग्नीज और जिंक जैसे कई मादनियात से मालामाल होती है। इसे पाकिस्तान और भारत में मसाले के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। बरसगीर पाको हिंद में खाने की तैयारी जैसे की मीठी गिजाएं, गोश्त, सब्जियों, चटनियों, पुलाव और चंद मशरूबात में भी इस्तेमाल किया जाता है। खानों में इसका इस्तेमाल जिस कदर जरूरी है, इतना ही इसकी जरूरत से ज्यादा मिकदार खानों में शामिल करना खानों को कड़वा और जहरीला बना सकता है। माहरीन सेहत और गिजा के मुताबिक एक हांडी में इसका 1 से 3 ग्राम इस्तेमाल ही खाने को खुशबूदार बनाने के लिए काफी है, क्योंकि इसकी कम मिकदार ही फायदेमंद है। जावत्री के इस्तेमाल से हमें क्या फवायद हासिल हो सकते हैं, आइए जानते हैं खानों में जावत्री इस्तेमाल करने के फवायद। नंबर 1, अमराज कल्ब में मुफीद। माहरीन सेहत कहते हैं की जावत्री जायके में कड़वी होती है, इसलिए खून साफ करती है और अमराज कल्ब से बचाती है, इसलिए खानों में इसका इस्तेमाल जरूरी है। नंबर 2, खवातीन के पोशीदा मसाइल। खानों में जावत्री का इस्तेमाल खवातीन के पोशीदा मसाइल और पोशीदा मसाइल का आसान हल है, इसलिए खवातीन को खानों में इसका इस्तेमाल यकीनी बनाना चाहिए। नंबर 3, निजाम हाजमा में बेहतरी। जावत्री का इस्तेमाल हमारा निजाम हाजमा बेहतर बनाता है। इसके इस्तेमाल से मैदे की कारकर्दगी बेहतर होती है और ये मैदे की सेहत के लिए भी फायदेमंद है। नंबर 4, सांस और मुंह की बदबू। जावत्री को इस्तेमाल करने से सांस और मुंह की बदबू दूर हो सकती है, इसलिए अगर इसे खाया जाए तो मुंह से बदबू दूर हो सकती है। नंबर 5, ब्लड प्रेशर और शुगर। क्योंकि जावत्री कड़वी होती है, इसलिए खून की सफाई करने के लिए कारामद साबित होती है। इसके इस्तेमाल से खून साफ होता है और इससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। इसके अलावा ये खून से ब्लड शुगर की सतह को मतवाजन करके शुगर को कंट्रोल करने में भी मावन साबित होती है। नंबर 6, मसाने के मसाइल का इलाज। जावत्री मसाने में होने वाले इन्फेक्शन को दूर करती है, इसके मुकम्मल निजाम को बेहतर बनाकर मसाइल का इलाज करती है। नंबर 7, गले की खराश और खांसी। जावत्री गले की सोजिश और खराश को दूर करती है, गले में दर्द और खांसी के इलाज के लिए इसका इस्तेमाल मुफीद है, इसलिए इसके एक खास तरीके से इस्तेमाल से दमे का इलाज भी मुमकिन है। नंबर 8, बच्चों की सेहत। ये बच्चों की सेहत के लिए मुफीद है, बच्चों के पेट से कीड़ों का खात्मा करके पेट दर्द दूर करती है। जावत्री बच्चों की कुव्वत मुदाफित बढ़ाती है और बच्चों का चिड़चिड़ापन खत्म करती है। नंबर 9, जोड़ों के दर्द में मुफीद। अगर जायफल जावत्री का पेस्ट बनाकर जोड़ों पर लगाया जाए तो इससे जोड़ों का दर्द दूर हो जाता है। ये बड़े बूढ़ों के मदाफती निजाम को मजबूत बनाती है। नंबर 10, जावत्री का जायद इस्तेमाल करने के नुकसानात। अगर जावत्री को जरूरत से ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल किया जाए तो मतली, पेट दर्द, सांस का फूलना, निजाम हाजमा बिगड़ना और दौरे पड़ने जैसे खतरनाक मसाइल का सामना हो सकता है। इसका गैर मुनासिब इस्तेमाल आपकी सेहत को मुतासिर कर सकता है। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।